नेक्स्ट सेशन ऑन बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन जिसमें आज हम करने वाले हैं कार्डिक साइकिल का थोड़ा सा बचा हुआ 3d डिपिक्शन जो मैंने आपको 3d में दिखाना था बाकी हम डिटेल में करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पोर्टल सिस्टम एंड ब्लड वेसल्स तो ये तीन टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं कार्डियक साइकिल आई होप आप सबको समझ आ गया था मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर लिए थे अमेजिंग पाई चार्ट भी बनाया था एंड कल उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी 7 पीएम वाली क्लास में सॉल्व कर लिए थे सो वी हैड डन द क्वेश्चन पार्ट एंड टूडे ऑल्सो वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ बॉडी फ्लूट्स एंड सर्कुलेशन विद ह्यूमन रिपोडक्शन उसी तरीके से डीपीपी सॉल्विंग है आज भी टाइमिंग्स बेटा अपने सेम रहेंगे डी पी पी सॉल्विंग के दैट इज गोइंग टू बी सेवन पी एम तो क्लासेस की अगर मैं बात करूँ अपने बारे में बात करूँ तो जो बच्चे नए आए हैं माई नेम इज सी पाहुजा एंड येस yes, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ एज यू कैन सी फ्रॉम द चैप्टर टाइमिंग्स जो है अपनी फ्री क्लासेस की फ्री क्लासेस बेटा यूट्यूब पर होती है वन थिंग वन एट थ्री पी एम फॉर हमने आज मेंस्ट्रल साइकिल करना है तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है साढ़े पांच वाला मेंस्ट्रल साइकिल करेंगे एंड अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम पोर्टल सिस्टम एंड ब्लड वेसल्स ठीक है हाँ जी और इन दोनों क्लासेस का ही डीपी भी डिस्कस होता है सेवन पी एम पर यहां पे मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराती आती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चलता यार किसने किसकी चीटिंग की है किसने खुद से आंसर दिया है वहां पे एक प्रॉपर लीडर बोर्ड जनरेट होता है प्रॉपर सिस्टम है यू you नो know, रैंकिंग आती है बच्चों की टाइमिंग्स आती है कि आप कितने समय में आंसर दे पा रहे हो ठीक है बाकी आप मेरी क्लासेस प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ब्रांड न्यू बैच आ रहा है प्लस पे कहा है ये सबसे पहले तो बेटा बैच देख लीजिए सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच पहले था

फ्रॉम थर्टींथ ऑफ नवंबर आज क्या है आज है बेटा इलेवें से अपने नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेधावी प्लस के नाम से इट इज वेरी मच लाइव ऑन अवर ऐप एज वेल एज ऑन दू नो वेबसाइट ऑफ अन अकेडमी तो आप जाकर एनरोल कर सकते हैं अभी इसीलिए बोल रही हूं बड़े शुभ मुहूर्त में हमारा बैच लॉन्च हुआ है शुभ मुहूर्त इसीलिए है शुभ इसमें क्या है शुभ बेटा ये है कि आज क्या है इलेवेंथ टेंथ से लेकर सेवनटीन तक आपके पास स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है जिसमें आपको टेन परसेंट ऑफ नहीं मिलेगा डबल मिलेगा इससे ठीक है यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ केटिंग यहाँ तो टेन परसेंट ऑफ तो जनरली पूरा साल मिलता है इस हफ्ते टेन टू 17 तक देयर इज टेन प्लस टेन परसेंट ऑफ एंड दिस इज प्रॉबेबली द लास्ट टाइम ऐसा होगा ऐसा हमने सेप्टेंबर में किया था अब रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ड्रॉपर्स का स्पेशली मैसेज आया वी वांट टू तो टेक सब्सक्रिप्शन एंड वी वांट दैट कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफ होना चाहिए तो सबकी रिक्वेस्ट पर रिजल्ट के बाद टेन प्लस टेन परसेंट ऑफ दोबारा से आ रहा है सिर्फ कब तक है टिल ऑफ नवम्बर तो इसीलिए अपना बैच बड़ा शुभ है जैसे ही अपना बैच लॉन्च हुआ थर्टींथ को हो रहा है और आपके पास ये टेन प्लस टेन का ऑफर आ रहा है ठीक है और लेकिन ये टेन प्लस टेन ऑफर तभी वैलिड होगा इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई वन कोड दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ ठीक है हाँ नाइन्टी परसेंट करा दो बेटा मुफ्त में तो मैं करा ही नहीं हूं नाइनटी परसेंट क्या करना है है ना बीस करा दिया आप कह रहे हैं नाइनटी करा दो की इच्छा है ना बेटा यूट्यूब से पढ़ लो ठीक है लेकिन भाई है रिजल्ट निकालने वाले बच्चे होने चाहिए सब में वो मोटिवेशन आती है रेगुलर क्लासेस स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस आपको प्रॉपर नोट्स मिलना पीडीएफ मिलना पीडीएफ की यू नो पीडीएफ के थ्रू भी नोट्स पढ़ पाओ और आपको बुक भी मिल जाती है नोट्स की तो ये सारी चीजें आपकी आइकॉनिक और प्लस में ही अवेलेबल है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ आवर हार्ट है ना जो बच्चे नए हैं यार वेलकम टू अवर क्लासेस रोज़ आया करो रोज़ क्लास अटेंड करो एंड स्पेसिफ़िकली जो बच्चे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे बारे में हमारी क्लासेस के बारे में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं देन इट इज़ अ 7 पीएम सेशन फॉर यू जहां पे आप मेरे से बात कर सकते हैं अब यार यहाँ पर मैं हो सकता है नाम बिना पहचान पाऊं लेकिन सात बजे वाली क्लास में मेरे को ऑलमोस्ट हर बच्चे का नाम याद है एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेक्टिव क्लास जहां पे आप डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हो मुझे नाम के साथ डाउट्स दिखते हैं वी कैन टॉक ऑल्सो इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट सो सेवन पी वाली क्लास मैंने पिन करा दी है ऊपर आप देखेंगे इट इज पिन ऑन द चैट बॉक्स ऑन आवर लाइव चैट तो सब बच्चे इस क्लास में एटलीस्ट एनरोल कर लीजिए एनरोल बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज सीप लाइफ ठीक है इससे एनरोल कर लो एनरोल करने से के कोई चार्जेस नहीं है सिर्फ कोड डालना रहेगा अगर पूछेगा हो सकता पूछे ही ना और एनरोल करने का बेनिफिट है बेनिफिट इज कि यू विल गेट नोटिफिकेशन ओके बेटा यू विल गेट नोटिफाइड चलिए स्टार्ट करें हाँ जी यस शुड वी स्टार्ट शुड वी स्टार्ट ओके okay. तो कल मैंने आपको क्या कराया था कार्डियक साइकिल समझा दिया था दैट कार्डियक साइकिल हैज गॉट थ्री मेजर फेजेस वन इज द एटरल सिस्टोल देन यू हैव वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन आपके पास होता है जॉइंट डायास्टोल यहां पर मैं आपको फेजेस दिखाऊंगी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एट्रिया है उसने सिस्टोल करके ब्लड को किस में डाल, दिया? वेंट्रिकल्स में डाल दिया तो ये अपना फेज नंबर फटाफट से बेटा आंसर देते जाना ये जो एट्रियल सिस्टोल है ये कितने समय चलता है यस व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल फटाफट से यार बॉक्स भर दो आंसर से जिस जिसने भर दिया है वो सेशन को लाइक कर दो है ना बॉक्स भर दीजिए

आपके जब ये एट्रिया पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स में डाल देंगे तो यार अब स्टार्ट होगा अपना सेकेंड फेज सेकेंड फेज में क्या होने वाला है वेंट्रिकुलर यस इट इज गोइंग टू लीड टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ठीक सो सेकेंड फेज इज रेड से लिखते हैं यार हाँ जी दैट इज वेंट्रिक्युलर सिस्टोल ओहो यस सेकेंड फेज इज ठीक है हां जी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा सबसे पहली चीज अपने एवी वॉल्व को बंद कर देंगे एवी वॉल्व बंद करने का पर्पज ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में कितना समय लगा पॉइंट थ्री सेकेंड जिसमें आपका एवी वॉल्व बंद तो आ जाएगी फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एज लव बीच में एक फेज आएगा विच इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन एंड देन अल्टीमेटली दे विल पुश द ब्लड टू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज दिख रहा है एक बार यार इसकी एप्रिसिएशन हो जाए कितना अमेजिंग वीडियो है तुम लोग कह रहे थे हम थ्री सेशन थ्री सेशन कहाँ गया वो तो मैं वापस नहीं ला पा रही हूँ बट येस आई कैन वर्क हार्ड पूरी पूरी रात बेटा जाग के इस तरीके की वीडियोस निकालना उसकी जी बनाना इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम सर्चिंग में बहुत टाइम लगता है सो आई हैव हैर्च अ लॉट कि मैं किस तरीके से आपको उसी लेवल का इनफैक्ट उससे अच्छे लेवल का थ्री डी विजुअल दिखा पाऊं क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट थी तो ये बेटा थ्री डी विजुअल है जिसमें आप देख पा रहे हैं दिस साइड राइट साइड डी ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड एंड अल्टीमेटली दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलीजिंग द ब्लड आउट ये हाँ जी एप्रिसिएशन कैसे होते है? सेशन को लाइक like करके होते हैं यार पहले वो लाइक like करो फिर इसको थम्स अप देना ठीक यस yes. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया वेंट्रिकल होने के बाद ब्लड कहां फ्लो कर जाएगा आपका आ, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में देन अपना स्टार्ट होगा लास्ट फेज लास्ट फेज का नाम था जॉइंट डायास्टोल हाँ जी सबसे लंबा फेज है जॉइंट डायस्टोल इट लास्ट फॉर 0.4 फोर इन विच ऑल द चेंबर्स दे आर रिलैक्सिंग यू विल से बेटा सब रिलैक्स कर रहे हैं अगर सब रिलैक्स करेंगे तो एवी वॉल भी तो खुला होगा खुला होगा तो वट एवर इज देर इन एट्रिया इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन वेंट्रिकल्स में आएगा यानी कि यहाँ पर भी वेंट्रिकुलर फिलिंग है लेकिन कितना परसेंट है सेवेंटी परसेंट वेंट्रिकुलर फिलिंग इज देख से फिलिंग कब होती है ड्यूरिंग दिस फेज दैट इज जॉइंट डायस्टोल कैन यू सी जॉइन डायस्टोल बेटा अच्छे से दिख रहा होगा आई बिलीव है ना किस तरीके से बेटा एट्रिया भर रहे हैं एट्रिया आगे वेंट्रिकल को भर रहा है लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले अपने क्या करेंगे ये जो सेम्यूनर वॉल्व है सेमिल्यूनर वॉल्व है इसको बिल्कुल बंद कर देंगे सो so दैट आपका ब्लड वापस आर्टरी से वेंट्रिकल्स में ना आए उसकी वजह से आएगी सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज अ डॉप अच्छा अब आ रहा है सवाल यस नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम यू नाउ द क्वेश्चन इज वट इज द टाइम टेकन फॉर एट्रियल डायस्टोल हां जी एट्रियल डायस्टोल में कितना समय लगता है कब ऑन गाइज आंसर इन द चैट सेक्शन आंसर इन द चार्ट सेक्शन एट्रियल डायस्टोल में कितना समय लगता है बताओ यस yes. हाँ जी। क्या अलग अलग आंसर है सबके अलग है आंसर एक ने पॉइंट वन दे दिया एक ने पॉइंट फोर दे दिया एक पॉइंट सेवन दे रहा है एक पॉइंट फाइव दे रहा है मेरे बच्चे ठीक आंसर देने चाहिए और संजीवनी किसी भी बैच में अगर आपने पढ़ा हुआ है दे हैव टू गिव मी द राइट आंसर यस आपसे मैंने क्या पूछा है आपसे मैंने पूछा है कि यार एट्रियल सिस्टोल ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये होता है जॉइंट डायस्टोल होता है ऐसे ही होता है ना कार्डियक साइकिल हाँ जी आपसे पूछा है एट्रिया डायस्टोल कितने समय में करेगा सबसे पहले बेटा सारे आंसर इसी ग्राफ के है ना इसी ग्राफ के जिस समय एट्रिया सिस्टोल कर रहा है इस समय एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो बाकी समय वो डायस्टोल कर रहा है सिंपल इफ एट्रिया इज सिस्टोलिंग फॉर ओनली पॉइंट वन सेकेंड रेस्ट ऑफ द टाइम एट्रिया इज डायस्टोलिंग यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे तब एट्रिया रिलैक्स कर रहा था जॉइंट डायस्टोल पे तब ही रिलैक्स करेगा तो बचा हुआ समय है ना बचा हुआ बेटा समय यानी कि यहां से लेकर यहां तक दिस इज दी प्लस इज जाएगा आपका पॉइंट सेवन सेकेंड ठीक सिंपल है अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर करके आई आस्क यू व्हाट इज द टाइम ऑफ हां जी टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल अब तो ठीक आंसर दे दोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हाँ जी कम ऑन और अच्छे से सवाल इसके और न्यूमेरिकल हम सात बजे करेंगे क्लास में एनरोल करना नहीं भूलना पिन करा हुआ है बाकी इसका भी आंसर दे दो हाँ जी वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना समय लगेगा बड़ा सिंपल सेम फंडा विल अप्लाई ओवर हेयर कि यस वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब कर रहे हैं पॉइंट थ्री में ठीक है तो बाकी के समय दे बाकी का समय कौन सा है बाकी का समय बेटा ये वाला है यहां से क्लॉक चलते हैं अपने हमेशा यस yes, ये समय दैट इज पॉइंट फोर प्लस हाँ जी कितना समय लगेगा दैट इज पॉइंट फाइव सेकेंड दिस क्लियर इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे सेम वे इवनिंग वाली क्लास में सेवन पी वाली क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क यू अच्छा क्वेश्चन बता दू सेवन पी एम वाली क्लास के अभी क्वेश्चन बता दू एक क्वेश्चन तो वहां होमवर्क सेक्शन में डालना कल भी होमवर्क सेक्शन वॉज फ्लडेड विद द होमवर्क डाउट सेक्शन वॉज फ्लडेड विद द होमवर्क तो सात बजे वाली क्लास में बेटा एक डाउट क्वेश्चन uh, पूछा जाएगा आपसे क्या ड्यूरेशन बिटवीन टू हार्ड साउंडस हां जी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ प्लीज अभी आंसर नहीं देंगे मुझे सेवन पी एम वाली क्लास में देंगे ठीक है थोड़ा टाइम ले लो दैट इज ड्यूरेशन बिटवीन हार्ड साउंडस ठीक है दो हार्ड साउंड के बीच में कितना गैपिंग है ठीक है ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी सेवन पीम अगर मैं भूल जाऊं तो तुम याद करा देना सात बजे वाली क्लास ऐप पर होती है ऐप वाली क्लास का लिंक दिया हुआ है मैंने ऊपर अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है फ्री ऐप है यार क्लास भी फ्री है सब कुछ फ्री है पता नहीं तुम्हें और क्या चाहिए जिंदगी से सब कुछ बेटा फ्री मिल जाता है ना तो दिमाग थोड़ा सा तुम्हारा हो जाता है ओके 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 यस हाँ जी तो ये थोड़े फेजेस हैं आप ज़्यादा फेजेस में कंफ्यूज मत होना पहला फेज बेटा अपना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देन वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड देन बेटा रिलैक्सेशन में आ जाएंगे आपके ये वेंट्रिकुलर फिलिंग तो ये फेजेस आप डिटेल में भी कर सकते हो वैसे ही आपके आगे एम बी बी एस में आएंगे फर्स्ट ईयर में फेजेस बट अभी के लिए आप थ्री फेजेस याद रखें तो वो मोर देन क्या है Enough है, ठीक है मोर देन क्या है इनफ है चलिए अब बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट यस टॉकिंग अबाउट दंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्ट कैसा है मीजोडर्मल इन ऑरिजन ठीक है वन योर हार्ट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजन ठीक है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिविटेशर्मल ही होता है तो आपका हार्ट भी क्या है मीजोडर्मल अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट होना है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसको स्टिमुलस चाहिए स्टिमुलस कहाँ से आता है बेटा स्टिमुलस आने को बेटा आपका नर्वस सिस्टम भी दे सकता है योर ब्रेन कैन ऑल्सो सेंड स्टिमुलस देता भी है बट योर हार्ट ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस आता है फ्रॉम द मसल ऑफ द हार्ट इट ना वही इसको बताती है कि तुमको बीट करना है ये वेरी स्ट्रेंज कि हार्ट इज अराउंडेड बाय कार्डिक मसल मसल विल गिव स्टिमुलस टू द हार्ट कि यार अब तो बीट कर ले अब तो कॉन्ट्रैक्ट कर ले दैट मीनस आपका हार्ट कैसा है योर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर मायोजेनिक मतलब मसल ही कंट्रोल कर रहे हैं हार्ट को योर हार्ट इज नॉट न्यूरोजेनिक देखो एक था अपना कॉकरोच बेचारे कॉकरोच का हार्ट कैसा था न्यूरोजेनिक नर्वस सिस्टम से इंपल्स आता था नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस आता था तब जाके हार्ट बीट करता था यहां पर द इंपल्स इज कमिंग फ्रॉम द कार्डिक मसल इट ठीक है तो हार्ट इज मायोजेनिक कौन सी मसल्स है आपको पता है ये स्मूथ मसल्स नहीं है ये स्पेशल टाइप की इंटरकैलेटेड डिस्क के समेत वाली मसल्स मसल्स हैं आर कॉल्ड एज कार्डियक ओके गाइस कार्डियक मसल अब ये जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर अरेन्ज टू फॉर्म अ प्रॉपर सिस्टम यही मसल्स कार्डिक मसल बेटा सिस्टम बना रही हैं बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना देंगी वो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है यही मसल्स ही, ही हैं ठीक है ये जो सिस्टम बनाएंगी कार्डिय मसल्स है ना दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हांजी द सिस्टम दैट देर गोइंग टू फॉर्म इज द कंड सिस्टम ऑफ हार्ट ठीक है ये कंडक्टिंग सिस्टम बताएगा कि एक मिनट में कितनी बीट्स होनी चाहिए वैसे जरा बता दो यार एक मिनट में कितना दिल धड़कता है तुम्हारा वॉट इज योर हार्ट रेट वॉट इज योर हार्ट रेट हां जी बता दो पता है नॉर्मल पूछा है बेटा व्यक्ति को देख के जो इंक्रीज हो जाता है वो नहीं पूछा है ठीक है और कि अपना फेवरेट हीरो हीरोइन की फोटो देख ले रहे हैं हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है बिल्कुल नॉर्मल रेस्टिंग किसी हीरो को नहीं देखा किसी दोस्त की फोटो नहीं देखी हाँ जी नॉर्मल कितना है आपका 72 72 टाइम्स टाइम्स किसने बताया कि 72 करो फिर जब तुम्हारा यू uh, नो you know, किसी की फोटो देखी तो अचानक से 100 टाइम्स इनफॉर्मेशन दैट प्लीज परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन 100 टाइम्स और प्लीज परफॉर्म का मतलब है एक मिनट के अंदर सेवन कार्डिक साइकिल होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहा से आई है वो इंफॉर्मेशन आई है, है बेटा आपकी मसल्स है यानी कि हार्ट अपनी टेंशन खुद ले ले रहा है अपनी केयर खुद करता है खुद से बीट करता है एक रिदम मेंटेन करता है दैट मीन्स योर हार्ट इज योर यानी कि अपना दोनों का है ना योर हार्ट इज ऑटो रिदमिक हाँ जी कैसा है अपना हार्ट ऑटो रिदमिक ठीक प्लस इट इज ऑटो एक्साइटेबल ऑटो एक्साइटेबल आपका हार्ट कैसा है बेटा योर हार्ट इज रिदमिक एंड योर हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल खुद से रिदमि आती है खुद से बेटा एक्साइटेबिलिटी आती है क्लियर हां जी डन हो गया रिदमिक मतलब हर पॉइंट एट सेकेंड के बाद एक बिट

कोई ब्रेन से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि यार अब बीट करना शुरू कर दे ब्रेन बेटा 72 को प्लस माइनस कर सकता है लेकिन जो इनिशिएशन है वो यही करते हैं। ऑटो तो एक्साइटेबल। ओके गाइस है ना चलिए सारे गामा शुरू हो गए यहां पे सब सिंगर आ जाइए बेटा सारे गामा देखते हैं क्या रिदम चल रही है तुम्हारी ओके स्टार्टिंग में दो हो देख लीजिए बेटा ब्यूटिफुल हार्ट आउटसाइड द बॉडी एक आपने देखा होगा आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव सीन सच सीरीज और नॉट बहुत सारी डॉक्टर बेस्ड वेब सीरीज आती हैं और उसमें कईयों में तो प्रॉपर ऑपरेशन दिखाते हैं एंड यू नो दे हैव शोन की हार्ट ट्रांसप्लांट में दे टेक आउट द हार्ट एंड दे पुट इट इन यू नो प्रॉपर रिंगर सोल्यूशन ऑक्सीजनेटेड सोल्यूशन एंड देन वो लेके जाते हैं रेसीपियट के पास रेसिपियंट के बाहर उसके अंदर डाल देते हैं अब जितना समय हार्ट बाहर है आप देखेंगे यार हार्ट बीट करता है वाह, हाउ कैन हार्ट सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी क्योंकि इसको ब्रेन नहीं चाहिए सर्वाइव करने के लिए इसकी मसल्स को सिर्फ क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए देखो मसल्स ही काम कर रही है कार्डियक मसल कार्डियक मसल इस हार्ट पर ही लगी हुई है वही मायोकार्डियम मिटाइंडोकार्डियम मायोकार्डियम पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम के नीचे है कार्डिय मसल इसी वजह से योर हार्ट Can beat outside the body if you keep it in a proper oxygenated solution. आप nutrients के साथ इसको oxygen provide कीजिए, आपका heart body के बाहर भी कुछ समय तक survive कर जाएगा. क्योंकि it is not neurogenic, it is just myogenic. Myogenic things are या फिर cardiac muscle they are attached to the heart only. ठीक, चलिए. तो बात करते बेटा क्या है उस muscles में? What is there in that muscle? वैसे तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है थ्री डी में मैं लेके आई हूँ इन चीजों को बट आई वुड लाइक कि यार पहले मैं हाथ से बना दू ठीक है क्या बना दू कहा गया यार जी लेट मी जस्ट मेक इट विद माय हैंड कंडक्टिंग सिस्टम थ्री डी अभी दिखाती हूँ पहले समझ लो जी सो दिस इज अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ मसल्स

आउटलाइन बना दी बीच में आपके क्या इन्वॉल्व है एवी वॉल्व सो दीज आर द दी वॉल्स ठीक है ट्राइक स्पीड एंड गया फटाफट से हार्ट बनना चाहिए बट अब तो आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम इज सिचुएटेड इन द राइट एट्रिया दिस इज द राइट एट्रिया बिल्कुल राइट वॉल के पास ये राइट right वॉल है राइट right एट्रिया की यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सिचुएटेड है एंड दिस इज कॉल्ड एज एस ए नोड और इट इज कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड ठीक है ये जो है ना दिस इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट दिस इज कॉल्ड एज द पेस मेकर नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट यानी कि जो इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स है यही बताएगा कि आपका हार्ट कितनी बारी बीट करना चाहिए इफ योर हार्ट इज बीटिंग सेवनटी टू टाइम्स पर मिनट दैट मीन एस ए नोड इज गिविंग इन्फॉर्मेशन सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट सो द वर्क ऑफ द इनिशिएशन मतलब चालू करना ठीक है वो कौन करेगा आपका एस ए नोड करेगा एसे नोड इनिशिएट कर देगा कि भैया सेवेंटी टू टाइम्स करेंगे फिर एस ए नोड विल गिव इम्पल्स टू बोच द एटरिया दोनों एटरिया को इम्पल्स राइट एटरिया को भी लेफ्ट एटरिया को भी लेकिन नीचे नहीं दे सकता इतनी दूर तक इसकी रेंज नहीं है रेंज होती है टावर की बेटा रेंज है है ना आपके घर के बाहर एयरटेल का जियो का टावर लगा हुआ है इट हैज रेंज जहां पर वो रेंज खत्म हो जाएगी तुम्हारे सिग्नल आने बंद हो जाएंगे सेम वे ऐसे नोड है रेंज इट कैन कवर बोथ द एट्रिया बट नॉट द वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स तक मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आपके राइट एट्रिया में ही एवं एवी वॉल्व है यहां पर बेटा प्रेजेंट है सेकेंड पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एवी नोड दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ठीक है एवी नोड इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एवी क्यों बोला इसको क्योंकि एवी वाल्व के नजदीक है है अपना राइट एट्रिया में तो जब ऐसे नोड ने रेंज डालनी शुरू की सिग्नल दिए तो इट हैज गिवन सिग्नल टू एवी नोड एज़ वेल इसने एवी नोड को भी सिग्नल दिए ठीक है एवी नोड भी मसल का ही बना है कौन सी कार्डियक मसल सब कुछ मसल का है एवरीथिंग कुछ नर्व्स नहीं है यहां पर ठीक है एवी नोड विल गिव इंफॉर्मेशन टू द एवी बंडल आगे इसने इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में किसको इंफॉर्मेशन दे दी बेटा एवी बंडल को ठीक है एवी बंडल अपना लेफ्ट और राइट right साइड पे डिवाइड हो रहा है ठीक है राइट right साइड वाला इधर आ गया फैल गया यहाँ फाइबर से बना लिए लेफ्ट साइड वाला भी बेटा वेंट्रिकल्स के अराउंड ऐसे फाइबर्स बना लिए ठीक है इन फाइबर्स को बोला जाता है पर किंजे फाइबर्स इनको बोला जाता है बेटा पर किंजे फाइबर्स नाम इनका फाइबर्स है लेकिन है ये भी मसल आर मसलो मॉडिफिकेशन ऑफ कार्डिय मसल तो इंफॉर्मेशन कैसे कैसे जा रही है ऐसे नोड दोनों एट्रिया को कवर कर लेगा एवी नोड को दे देगा एवी नोड एवी बंडल को देंगे बंडल आगे लेफ्ट और राइट परकिंजे फाइबर्स को देगा ये जो अपना एवी बंडल है एवी बंडल एंड एवी बंडल एंड परकिाइबर्स दे बोथ आर टूगेदर कॉल बंडल ऑफ हिज हाँ जी इनको इकट्ठा क्या बोला जाता है बंडल ऑफ हिज ठीक ये सब है अपने कंडक्टिंग सिस्टम में इससे ज्यादा नहीं है बताओ यार क्या ये चीज समझ आई हाँ जी, बस यही है इससे ज्यादा नहीं है एसेनोड पेस मेकर नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट ये इनिशिएट करेंगे इंफॉर्मेशन देंगे ए वी नोड को प्लस दोनों एट्रिया तो दोनों एट्रिया तो इसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लेकिन वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाएगा इंफॉर्मेशन एवी नोड के पास एवी नोड देगा बंडल को बंडल लेफ्ट और राइट साइड जाके वेंट्रिकल्स के अराउंड पर खिंजे फाइबर्स बना लेंगे एंड उन फाइबर्स तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी बोथ द वेंट्रिकल्स विल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट यस हाँ जी ठीक है अब बच्चा पूछ रहा है मैम ऐसे नोट कोई पेस मेकर क्यों बोला बेटा स्टार्टिंग जहां से होगी उसी को बोलेंगे ना कि तू बना रहा है हु इज द मेकर मान लो तुम कपड़ा खरीदने जाते हो कपड़ा खरीदने जाओगे कपड़े का मेकर बेटा जो बेच रहा है वो तो नहीं है है ना द वन हु इज सेलिंग इज नॉट द वन जिसने वो कपड़ा बनाया है हु इज द मेकर ऑफ दैट क्लोथ मेकर वो होगा जो कॉटन ला कर उसको की फॉर्म में एक कपड़े की फॉर्म में दे रहा है ना उसका मेकर टेलर है ना उसका मेकर रिटेलर है मेकर सबसे पहले नंबर वाला मेकर इज द वन जहां से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ स्टार्टिंग कहां से हो रही है दैट इज वाई इट इज द मेकर ठीक है कई बार तो क्या हो जाता है अपना जो ऐसे नोट है ना ऐसे नोट खराब हो जाता है यस समाइम्स ऐसे नोट स्टॉप्स वर्किंग बड़ी प्रॉब्लम है यार ऐसे नोट ने इनिशियट करना था अब अगर ऐसे नोट खराब हो जाएगा क्या वी विल डाई सोच के बताओ यार क्या उसी समय डेथ हो जाएगी क्या अगर ऐसे नोट खराब हो गया हाँ जी टेलीग्राम पे बेटा रोज नोट्स भेजे जाते हैं मिस ठाकुर तुम होगी तो पता चलेगा पीडीएफ भेजती हूँ मैं रोज नोट्स की ठीक है राइट आफ्टर द क्लास

यू नो कंपनी का मालिक कर सकता है वही काम बेटा असिस्टेंट उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा यानी कि एस ए नोड था तो 72 टू टाइम्स इम्पर्स जनरेट हो रही थी लेकिन अगर यही काम एवी नोड को करना पड़ जाए इनिशिएशन का कर तो लेगा लेकिन 72 टू टाइम से कम होगा ठीक है है ना फर्क पड़ता है ना जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज आई हैव मास्टरी इन दैट सेम वे एस ए नोड इनिशिएशन इफ इट विल बी स्पॉइल तो लोड आ जाएगा ए वी नोट पर बट वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे तो भाई उस व्यक्ति को करानी पड़ेगी सर्जरी एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाना पड़ेगा इफ द नेचुरल पेसमेकर स्टॉप्स वर्किंग वो आर्टिफिशियल पेसमेकर एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है सब क्यूटेनियसली आपकी ये यू you नो know, क्लाविकल है यहाँ के नज़दीक हम इंसर्ट करते हैं उसकी लीड्स को कनेक्ट कर देते हैं आपके राइट एट्रिया के साथ आपकी सुपीरियर बेना केवा के साथ जो वहां से इनिशिएशन देते रहते हैं ठीक है बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज करना पड़ता है मैं अभी भी दिखाऊंगी भी आर्टिफिशियल पेस मेकर आपको हाँ जी चलिए तो यहां पर हमारा कंडक्टिंग सिस्टम जस्ट देख लीजिए दिस इज द एस ए नोट कैन यू सी द पेस मेकर राइट एट्रिया की राइट वॉल के पास है एसे नोड ये ऐसे नोड है दिस इज द एस ए नोट ठीक है दिस इज दी नोड एवी नोड के बाद बेटा ये एवी बंडल बंडल आगे लेफ्ट और राइट right साइड में डिवाइड होके क्या बना ला है परकिजे फाइबर्स ठीक है हाँ जी और क्लियर में थ्री में देख लो यार और क्लैरिटी ले लो अगेन ऐसे नोट एसे नोड ने इंफॉर्मेशन दोनों एट्रिया को दी प्लस किसको दी एवी नोड मतलब एस ए नोट की इनिशिएशन से एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गए वेंट्रिकल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एवी नोड और उसकी पूरी पार्टी ठीक है उसकी पार्टी में कौन आता है एवी नोड है एवी बंडल है फाइबर्स हैं है ना यस नाउ सी सी हाउ नोड इज गिविंग इंफॉर्मेशन देख रहा है देखो बेटा एस नोड की एक इंफॉर्मेशन चल के यहाँ आई यानी कि दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं प्लस एस नोड इज गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द एवी नोड तो एवी नोड किस चेंबर में है जरा बताओ राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल आई एम आस्किंग एवी नोड किस चेंबर में यस प्लीज टेल मी एवी नोड किस चेंबर में है सोचो यार बताओ नहीं सोच पा रहे तो बादाम खाओ है ना हमसे बादामी रंग गाना जितना मर्जी सुनवा लो लेकिन बादाम खाएंगे नहीं खाते होते तो बेटा याद होता जी बोथ हैसे नोड एंड एवी नोड एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दे आर सिचुएटेड इन राइट एट्रिया ओनली दोनों राइट एट्रिया में है ठीक है देन एवी एवी नोड से चला बंडल बंडल लेफ्ट साइड साइड राइट एंड फाइबर्स सो ये सारे विजुअल्स हैं आपके कंडक्टिंग सिस्टम के लिए दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल विजुअल वेरी वेरी ब्यूटिफुल किस तरीके से बेटा यहां से इम्पल्स जा रही है देख रहे हो इसने इसको भी इंपल्स दी एवी नोड को भी दी एवी नोड आगे पर फाइबर्स को देगा तो अल्टीमेटली एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होते ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे देखो यहाँ पे तुम्हें स्टेप थोड़ा स्लो लग सकता है बट इट इज एक्चुअली अ वेरी फास्ट स्टेप बड़ी तेजी से होता है ठीक है फटाफट से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे और अच्छे से देख लो इस बार थ्री डी की कमी नहीं है मेरे पास आज तो बिल्कुल नहीं इस चैप्टर में तो बिल्कुल कमी नहीं है उ द इम्पल्स इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एवी नोट टू बंडल ऑफिज बंडल ऑफिज में जा रही है देन ये परकिंजे फाइबर्स हैं आगे फैल रहे हैं राइट अब बेटा परकिंजे फाइबर्स ने आगे इंफॉर्मेशन दी दोनों वेंट्रिकल्स के पास चली गई जैसे पूरे वेंट्रिकल्स के पास चली जाएगी वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट ब्यूटिफुली देर कॉन्ट्रैक्टिंग है ना यस ब्यूटिफुली बेटा दे आर कॉन्ट्रेक्टिंग देख लो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहे हैं ना वेंड्रिकल यस क्यों नहीं कर सकते थे बांचू मेरे क्लास से बच्चे 2022 भी क्रैक कर सकते हैं तो 23 वाला क्यों नहीं कर सकता डिटेल में बेटा पूरा प्लान बताओ अच्छा यार कौन इस टाइप का सेशन चाहता है कि मैम एक जैसे अभी मेनली बहुत सारे बच्चों ने बैच ज्वाइन किया है बहुत सारे बच्चे अब जाकर 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हु वांट्स अ सेशन ऑन कि 2022 की सेशन प्रिपरेशन अगर आप आज स्टार्ट करें तो कैसे मतलब व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी किसको चाहिए किसको चाहिए बेटा ये वाला सेशन कि 2022 की प्रिपरेशन अगर आप नवंबर से चालू करते हैं तो किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं हु वांट्स अ सेशन यस तो बेटा एक क्लास करेंगे कल के सात बजे वाली क्लास में टेस्ट नहीं लेती हूँ कल के 7 पी वाली क्लास में मैं यही चीज़ बताती हूँ आपके अच्छे से डाउट्स लूँगी डाउट्स यार जरूरी नहीं होता सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स ही होता है कि हाँ बच्चा ये पूछ रहा है ए वी नोट क्या है ऐसे नोट क्या है डाउट्स आपके ये भी हो सकते हैं कि मैम मैं किस बुक से पढ़ूँ मैम मैं कैसे तैयारी शुरू करूँ मैम मैं यू नो कहाँ से पढ़ूँ YouTube से हो सकता है या नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें बेटा हम डिस्कस करेंगे कल की सात बजे वाली क्लास में आज तो टेस्ट है आज नहीं न आज चेंज नहीं हो सकता टेस्ट वाली क्लास में न कल की क्लास में हमने ये डिस्कस कर लेते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाले भी अटेंड कर लें यार तुम लोग भी छः महीने में कुछ तो करोगे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वालों अभी से देखना शुरू कर दोगे तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी चलिए तो वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गई विद द हेल्प ऑफ पर फाइबर एंड दिस इज द कंप्लीट सिस्टम एस ए नोड ए वी नोड ए वी बंडल Then fibres and the whole heart, all the chambers they are going to contract. ठीक हाँ जी YouTube पर नहीं लूंगी मैं क्लास लूंगी आपकी स्पेशल पे कल ठीक है चलिए मैं बता रही थी कि सिंस इन सम केसेस इन पेशेंट्स द एस ए नोट स्टॉप वर्किंग सो वी रिप्लेस इट विद एन बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस दिस बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल पेस्ट मेकर ऐसा दिखता है बेटा आर्टिफिशियल pacemaker. मेकर विच इज़ प्लेसड अंडरनीथ योर स्किन सब क्यूटेनियसली प्लेस किया जाता है एंड देन कनेक्ट कर दिया जाता है लीड्स के साथ और अब बेटा इम्पल्स भेजने का काम किसका हो जाएगा इसका इसमें इस तरीके की फीड की जाती है कि इट विल स्टार्ट सेंडिंग इम्पल्स आफ्टर एवरी पॉइंट एट सेकेंड जिससे सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट एक पर्सन की बीट हो पाए उसको कनेक्ट कर देंगे देखिए बेटा यहाँ से लीड्स आ रही हैं ठीक है यहां से लीड्स आ रही हैं एंड दीज लीड्स आर देन एंट्रिंग इन टू आर कनेक्टेड टू द वेरियस पोर्शन ऑफ द हार्ट ठीक है साइनस से कनेक्ट कर दी राइट right वेंट्रिकल तक भी लीड गई है लेफ्ट राइट एंट्रिया तक भी लीड गई है तो इसकी लीड्स ट्रैवल करती हैं आपके हार्ट में तो ये सर्जरी होती है इसकी इस सर्जरी की हेल्प से वो पर्सन फिर से ठीक हो जाता है ये देखिए बेटा आर्टिफिशियल पेस्ट मेकर ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन यस बेटा बताइए समझ आ रहा है ये बैटरी लगा दी स्किन के नीचे यहां पे बेटा इस जगह लगाया जाता है ठीक है देन सबकूटे दिस बैटरी इज प्लेस्ड एंड इट इज अटैच टू योर हार्ट और ये इंपल्स भेजता है अब यार ऐसे नोड तो काम नहीं कर रहा तो इसका काम हो जाएगा इंपल्स भेजना हर पॉइंट एट सेकेंड के बाद इम्पल्स भेजना ब्यूटिफुल यस दिस इज द आर्टिफिशियल पेसमेकर मेकर ऑफ आवर हार्ट है ना बैटरी ऑपरेटेड है बेटा बैटरी लगी होती है इसके अंदर कई बार यू नो अगर कम एज में बैटरी ये लगाना पड़ जाए तो कुछ समय के बाद हमें रिप्लेसमेंट की भी सर्जरी करनी पड़ती है एंड दिस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पर जो आपको सर्जरी दिख, दिख रही है आर्टिफिशियल पेस मेकर डालने की ही सर्जरी दिख रही है एंड दीज आर द लीडिंग कार्डियथरासिक सर्जन जो ये काम करते हैं किस किस को बनना है मतलब फील आ जानी चाहिए ये देख के हैं किस किस को बेटा सर्जन बन रहा है इस इस सर्जन के हाथ में बेटा है यही पेस मेकर आर्टिफिशियल पेस मेकर बॉडी यस है ना चलिए तो अब आपको मुझे लगता नहीं कभी भूलेगा कि आर्टिफिशियल पेस मेकर कैसा दिखता है और कैसे उसको इंसर्ट किया जाता है कार्डिक सर्जन वाले बहुत बच्चे हैं मेरा एक सेशन था हाउ टू बी अ कार्डिक सर्जन अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करना मेरे नाम के साथ यू विल सी ऑल ऑफ द डिटेल किस तरीके से बना जाता है एंड लेट मी टेल यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यू आर इन द राइट डायरेक्शन यू आर ऑन द राइट पाथ इस तरीके से चलते जाएंगे तो डेफिनेटली बेटा बन ही जाएंगे ठीक है चलिए ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट ये कुछ डिसऑर्डर्स थे ईसीजी तो आज नहीं करनी ईसीजी कैसे आ गया ओहो जस्ट अ सेकेंड बेटा ये मैं कल कराऊंगी यार ईसीजी नहीं करनी थी आज अपने ने क्या करना है आज अपने ने करना है ब्लड वेसल एंड द पोर्टल सिस्टम ब्लड वेसल पहले कर ले तो मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ ब्लड वेसल की एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट सो ये आपका हार्ट है यहां से हार्ट से जो ब्लड लेकर जाता है हाँ जी उसको क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स करते हैं पहले बाकी का बीच का इसी जी हमने कल करना हो आज ही दिख गई आपको स्लाइड कोई बात नहीं सो दिस इज द आर्टरी विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ठीक है ये क्या होती है आर्टरी आर्टरी बेटा किसको देती है आगे ये जो नेटवर्क बन रहा है दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज कैपिलरी ठीक है एंड यहां से क्या चलेगी वेन्स चलेंगी विच आर गोइंग टू सप्लाई ब्लड टू द हार्ट तो मेजरली योर बॉडी हैज गॉड थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरीज जो हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाती हैं कैपिलरीज़ जो टिश्यूज के पास होती हैं एंड वेन्स बेटा विच टेक्स ब्लड टू द हार्ट ठीक है हाँ जी एक एक आर्टरी के बारे में एक एक वे, वेसल के बारे में बात करेंगे देखिए जो भी वेसल्स है ना यूजुअली आर्टरीज एंड वेन्स लेयर्स ठीक है हर वेसल के आपको तीन लेयर्स दिखाई देंगी सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है ट्यूनिका इंटाइमा और ट्यूनिका इंटरना यस द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज इंटरना बीच वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना ठीक है तो तीन तरीके की लेयर्स होंगी इंटरना अंदर वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं दिख रहा है बेटा ये हो जाएगी आपकी इंटरना दिस इज बेटा जी इंटरना ठीक है अंदर वाली जो ब्लड को टच करती है देन दिस इज गोइंग टू बी द मीडिया जिसमें मसल्स प्रेजेंट होंगी एंड ये जो बाहर वाली है दिस इज गोइंग टू बी द एक्सटरना और है ना एक्सटर्ना और द एडवेंटेशिया यहाँ पे और अच्छे से देख लीजिए दिस इज ट्यूनिका इंटाइमा दैट मीन्स द इनर मोस्ट वन इन में बेटा एक लेयर होगी एपिथीलियम की जिसका नाम है एंडोथीलियम एंडोथीलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ही होगा कुछ इलास्टिक स्ट्रक्चर्स भी होंगे मीडिया की बात करें मीडिया इज मेड अप ऑफ मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं ब्लड वेसल के पास स्मूथ मसल्स ठीक है एंड दिस इज द एक्सटर्नल मेनली मेड अप ऑफ द कलाजन फाइबर्स ठीक है किसकी बनी होंगी बेटा कलाजन फाइबर्स की दिख रहा है अच्छा एक डिफ्रेंसिएशन मैं आपको बता दूं जब तक हाथ से ना बनाओ तब तक क्या मजा हां जी टॉकिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स हेयर आयल टॉक अबाउट द आर्टरीज एंड हेयर विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स यही पेन को डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे ठीक है तीनों के पास दोनों के पास तीनों लेयर्स हैं। एक्सटर्ना है मीडिया है इंटरना है तो सबसे पहले बेटा ड्रॉ करते हैं इनका एक्सटर्ना ठीक है एक्सटर्नल दिस इज द एक्सटर्नल ठीक है क्या नाम है इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना किसका बना हुआ है क्लाजिन फाइबर्स का ठीक है दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना ठीक है ज्यादा अच्छा किस में बना होता है वेन्स में बना होता है सो हेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मोर डेवलप्ड मोर डेवलप्ड ठीक ठीक चलिए अंदर वाली लेयर एक्सटर्ना के अंदर क्या प्रेजेंट होगा ट्यूनिका मीडिया मीडिया किससे बना हुआ है मसल से बना हुआ है ठीक है किससे बना हुआ है मसल से बना हुआ है सो दिस होल इज ट्यूनिका मीडिया यस दिस इज ट्यूनिका मीडिया देख रहे हो दिस इज कंप्लीट ट्यूनिका मीडिया ठीक यहां पर भी है बट छोटा है दिस इज ट्यूनिका मीडिया ऑफ विंग्स इसके पास भी मसल्स हैं लेकिन कम है एज कंपेयर टू आर्टरीज़ तो क्या मैं यहां पर लिख सकती हूं हेयर ट्यूनिका मीडिया इज मोर डेवलप्ड इन दिस केस ट्यूनिका मीडिया इज मोर डेवलप्ड जो कि मसल्स का बना हुआ है मोर डेवलप्ड ठीक लेबल भी कर देते हैं इसको दिस इज ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिक का मतलब ही होता है कवरिंग बाहर वाली कवरिंग मिडल वाली कवरिंग देन उसके अंदर वाली कवरिंग द इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटाइमा और ट्यूनिका इंटरना, ठीक है दिस ट्यूनिका ठीक ट्यूनिका इंटरना, एंड दिस इज इट्स ट्यूनिका इंटरना, ठीक है हाँ जी ये तो जो हमने ग्रीन कलर की लेयर बनाई है अंदर वाली

पड़ा हुआ है यार एनिमल टिश्यूज में कराया हुआ है वैसे रो रो मत यहां बैठ के सबको पता है किससे बनती है बिल्कुल सही है ट्यूनिका इंटरना किससे बनेगी स्कोमस सेल से बनेगी प्लस इसमें स्कोम सेल्स के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा प्लस देर वुड बी सम इलास्टिक फाइबर्स आल्सो अब बीच की जो खाली जगह है बेटा ये सिलेंडर है सिलेंडर की वॉल है बीच में तो खाली जगह होगी द खाली जगह इज कॉल्ड एज ल्यूमेन जी द एमटी स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन जहां पर ब्लड फ्लो करेगा ठीक है वेयर ब्लड इज गोइंग टू फ्लो किसका ल्यूमेन वाइड है हाँ जी किसके ल्यूमेन में ज्यादा जगह है यानी कि किस में एक समय में मोर अमाउंट ऑफ ब्लड

ठीक है यहां पर ल्यूमिनस कंपेयर टू वेंस क्या है नैरो है दूसरी चीज किस में ब्लड विल फ्लो विद हाई प्रेशर हां जी किस में ब्लड का जो प्रेशर होगा ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करेगा देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्ट्रैक्शन किस में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है कॉन्ट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी जिसमें मसल ज्यादा है तो आर्टरीज में मसल्स वाली लेयर क्या है मोटी है थिक है सो हियर द प्रेशर

वन ऑफ द एक्सेप्शन इज दिस वन ये आर्टरी आपकी एक्सेप्शन है क्योंकि आर्टरी है ये भी एक सुपरफिशियल आर्टरी है ये भी बेटा एक सुपरफिशियल आर्टरी है क्लियर हुआ अब यार किसको वॉल्व की जरूरत है यानी कि कोई अगर इस तरीके से ब्लड वैसेल है ब्लड इज फ्लोइंग ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करता है क्योंकि प्रेशर जनरेट होता है अब जिसमें प्रेशर कम जनरेट होगा उसमें देयर आर चांसेस दैट ब्लड में कम बैक तो इस वापस आने को बचाने के लिए हम क्या लगा देते हैं वॉल्व लगा देते हैं बीच में ताकि ब्लड वापस ना आ पाए स्पेशली वेन ब्लड फ्लोज एंटीग्रेविटी नीचे से जब ऊपर ब्लड आता है तो वापस जाने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि प्रेशर कम होता है वेन्स में तो वॉल्व कहाँ पर चाहिए सो हेयर वॉल्व वुड बी प्रेजेंट हेयर वॉल्व वुड बी एबसेंट वी डोंट रिक्वायर इट ओवर हेयर है ना हमें यहां पर वॉल्व चाहिए ही नहीं है यहाँ पर चाहिए थे लगा दिए नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर इतना प्रेशर है कि ब्लड ऑटोमेटिकली फ्लो कर लेगा बीट एंटी ग्रेविटी और टुवर्ड्स ग्रेविटी बट यहां पर वी रिक्वायर वॉल्स अच्छा मोर अमाउंट ऑफ ब्लड किस में होगा एट वन टाइम आउट ऑफ आर्टरी एंड वेन्स मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कहा होगा यस yes. पूरी बॉडी में अगर मैं कैलकुलेट करूं एंड मैं मेजर करूं मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कहा होगा यस yes. बताइए बताओ बताओ किस में होगा आउट ऑफ आर्टरी और वेन आपके सामने है डायग्राम यस yes. हाँ जी मोर अमाउंट ऑफ ब्लड वुड बी प्रेजेंट इन बिकॉज इट हैज गॉट बिगर ल्यूमन इट हैज गॉट वाइड ल्यूमन ठीक है तो यहाँ पर ब्लड का अमाउंट भी क्या होगा ज्यादा होगा ठीक तो ये बात हो गई आपकी डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एक टाइप की वेसल बच गई कौन सी बच गई कैपिलरी बच गई कैपिलरी बेटा बनाते हैं अपने अगले पेज पे कैपुलरी लुक्स लाइक दिस एक तो यार सबसे पतली है ये दिस इज आवर कैपलरी लुक्स लाइक दैट सेट दिस इज कैपलरी नो ट्यूनिक एक्सटर्ना नो ट्यूनिका मीडिया जस्ट ट्यूनिका इंटरना ठीक है सो ये है आपकी ये है बेटा जी आपकी कैपिलरी कैपिलरी को अगर ध्यान देखे तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है ट्यूनिका इंटरना इट कोई ट्यूनिका मीडिया नहीं है कोई ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं है ठीक है तभी तो कैपिलरी सबसे पतली है इट इज द थिनेस्ट वेसल पतली तो होगी यार क्योंकि बाहर कोई लेयर्स ही नहीं है कुछ है ही नहीं है ना बेटा कुछ है ही नहीं राइट right. सो so, ये बात हो गई आपकी आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज की लेट मी शो यू ओवर है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट है सो कैन यू सी अच्छा रिकग्नाइज बेटा दिस इज आर्टरी और वेन हार्ट से ब्लड आ रहा है इस वेसल में आ रहा है हार्ट इज सेंडिंग ब्लड टू दिस वेसल विच विच टाइप ऑफ वेसल इज दिस कम ऑन टेल मी बताओ यार फटाफट से बता दो विच टाइप ऑफ वेसल इज दिस वन

दिस इज अ टाइप ऑफ आर्ट्री ठीक है जिसके बाद चूने क्या इंटरनल होगा विद एंडीलियम बेसमेंट मेमरी एन इलास्टिक लैमिना मीडिया होगा विथ स्मूथ मसल एंड एक्सटर्नल होगा विथ अगेन इलास्टिक फाइबर्स कोलाजन फाइबर्स एज वेल ठीक अब यहां पर वेन्स भी देख लो यहां पर वेन्स हैं तो यहाँ से ब्लड जा रहे हैं रोड बना दिया यहाँ पर ठीक है दिस इज गोइंग टू बी वेन एंड यहाँ से ब्लड आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी आर्टरी अब कभी भूलोगे आर्टरी या वेन के बीच में डेफिनेशन बच्चे बोलते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी अच्छा सबसे बेसिक क्वेश्चन में वेन मैम होती है जिसमें ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, है? है।, अच्छा, है? है, है। दोनों आंसर महा गलत आंसर है दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द आर्टरी आर्टरी इज द वन विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वेन इज द वन विच टेक्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट आप आर्टरी और वेन को ऑक्सीजनेटेड और डी के पंगे में नहीं घुसा सकते हो यस yes, बेटा तो आर्टरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी हां जी आर्टरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी इट विल टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट अवे फ्रॉम हार्ट

तो बेटा सातवीं क्लास वाली डेफिनेशन मुझे मत देना मुझे डेफिनेशन चाहिए जो तुम एम वाले टीचर को भी बताओ तो थोड़ी इज्जत रख लो हमारी ठीक है तो वो डेफिनेशन ये है अवे फ्रॉम द हार्ट या टुवर्ड्स हार्ट सो हियर यू कैन सी दैट वेन्स में द प्रेशर इज लेस सो देर आर हाई चांसेस की ब्लड बेटा यहाँ से वापस आ सकता है, है ना ब्लड के यहाँ पर वापस आने के चांसेस हैं इसीलिए बीच में हमने क्या लगा दिया ये गेट लगा दी है बिकॉज so उसमें ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है कई बारी जिनकी बहुत ज्यादा स्टैंडिंग जॉब होती है तो उनके ना नीचे लेग्स पे स्वेलिंग होने लग जाती है क्योंकि ब्लड ऊपर एंटी ग्रेविटी इतना नहीं आ पाता और वहीं पे टिश्यूज में जाने लगता है ब्लड ठीक है Yes, उनके जो वेन्स है वो लीक करने लगते हैं जैसे मैं अगर कम से कम पा, पांच छह घंटे लगातार खड़ी रहूं। है ना बहुत लोग खड़े रहते हैं आपकी टीचर्स हैं स्कूल टीचर है सुबह सात बजे से आई हुई है मैम दो बजे तक स्टैंडिंग सो तो अगर लंबे समय तक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आपकी जॉब है सो तो समाइम्सम तो you know, लीकी कि ब्लड ऊपर जा रहा था बट वापस आ जा रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग वॉल्व ठीक है तो नीचे जमने लगता है ठीक है वेन्स आपकी दिखने लगती हैं और टिश्यूज में जाने लगता है दैट इज कॉल्ड एज दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड एज वेरी कोज वेन्स वेरी कोज वेन्स ठीक है तो जिसमें वॉल्व्स अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि आपका स्टैंडिंग जॉब बहुत ज्यादा है और ब्लड वापस जाने लगता है लोअर पार्ट में लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स में स्वेलिंग होने लगती है दैट इज कॉल्ड एज वेरी कोज वेन्स तो जो जिनका जॉब इस टाइप का है जैसे मेरा है उनको अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ जरूर करना चाहिए ताकि यू नो एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो करने में आसानी हो और एक्सरसाइज करनी चाहिए ठीक देन आती है सबसे पतली वाली वेसल जो टिश्यूज के पास होती है दीज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज ठीक अच्छा अब आपको पता है यार आर्टरी कैसे दिखती है आपको पता है वेन कैसे दिखती है और कैपलेरी कैसे दिखती है विच वन इज आइडियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटांसेज अगर यानी कि मुझे यहाँ से कुछ भी एक्सचेंज करना है इफ आई वॉन्ट टू सेंड समथिंग टू दिस एरिया टू दिस एरिया तो सबसे अच्छा कहाँ से होगा हाँ जी बताइए बताओ यार बताइए बताइए किस में सबसे अच्छा एक्सचेंज होगा देखिए सबसे अच्छा एक्सचेंज वो है जो सबसे पतली है है ना जो सबसे पतला है देखो आर्टरी तो इतनी मोटी है अपना तीनों लेयर है और ऊपर से ट्यूनी का मीडिया इतनी मोटी है वेन्स भी खैर मोटी ही है क्योंकि इसके पास भी तीनों लेयर्स हैं लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कैपिलरी को बिचारी के पास कुछ नहीं है है ना सब चांसेस कैन ईजली क्रॉस है ना सो दिस इज आइडियल फॉर एक्सचेंज आइडियल इस वजह से दो है इसके एक तो रीज़न ये है कि यार पतली है दूसरा रीज़न क्या है दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर ब्लड की स्पीड बहुत स्लो है यस द स्पीड ऑफ ब्लड इज वेरी स्लो ठीक है ब्लड की स्पीड स्लो है धीरे धीरे ब्लड जाता है तो बड़ी आसानी से एक्सचेंज हो जाता है आर्टरीज में बड़ी तेजी से जाता है तो एक्सचेंज करने में बैठोगे तो समय लग जाएगा ठीक है यस yes, चलिए तो ये बात हो गई आपके ब्लड वेसल्स की आई होप दैट ब्लड वेसल्स दे आर हाईली क्लियर टू यू आपको अच्छे से समझ आ गया यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका एक्सचेंज हो पा रहा है एंड एक टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ प्रेजेंट इन योर वेन्स मतलब एक समय पे अगर मैं देखूंगी मेरी बॉडी का सबसे ज्यादा ब्लड मोर देन 60 परसेंट ब्लड इज प्रेजेंट इन द देंस क्यों क्योंकि वेन्स का ल्यूमन बहुत वाइड है और वहां पे ब्लड भी स्लो स्पीड से फ्लो करता है एज कंपेयर टू आर्टरीज सो मैक्सिमम ब्लड बेटा किसके पास होता है वेन्स के पास होता है, है यहाँ पर आप देख रहे हैं ओके गाइज हाँ जी ये देख लो बेटा आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से हार्ट इज वर्किंग ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऐसी हो ना अंदर से स्किन विन हटा दे तुम्हारी मसल हटा दे तो यही दिखेगा सो दिस इज हाउ योर होल सर्कुलेटरी सिस्टम इज दिस इज योर कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यस मूविंग ऑन टू बेटा नेक्स्ट पार्ट दैट इज पोर्टल सिस्टम कर ले आज तुम लोग वैसे ना पूरा करने नहीं देते हो कंडक्टिंग सिस्टम हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया एंड देन हमें किस पे आना है पोर्टल सिस्टम पे आना है इसके आगे बेटा जो 5:30 थर्टी पी पे क्लास है ना मैं बता दूं उसमें मैंने मैंस्ट्रोल साइकिल डिस्कस करना है जिसको नहीं आता थोड़ा सा भी डाउट है तो वो क्लास जरूर लगाना बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर इट इन वेरी बेसिक वे आज तक भी नहीं समझा है आज तक नहीं समझ आया तो आज मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके ग्राफ जरूर आपको समझ आ जाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला सेशन है 5:30 थर्टी पी पे यूट्यूब पे इन्हीं दोनों का टेस्ट होगा 7 पीएम पे स्पेशल क्लास में। ठीक है स्पेशल क्लास हमारी होती है यस स्पेशल क्लास होती है ऐप पे लिंक मैंने पिन कर दिया फटाफट से एनरोल कर लो कर लिया सबने एनरोल जरा ये बताइए यस yes, कर चुके हैं स्पेशल क्लास बेटा ऐप पे होती है स्पेशल कुछ तो स्पेशल होगा स्पेशल ये है कि यार वहां पर तुम लोग मेरे से बात कर सकते हो जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है तो दिस इज द क्लास विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन ऐप प्लीज एनरोल आई हैव पिंड द लिंक इन द चैट बॉक्स ओके हाँ जी अब आते हैं बेटा पोर्टल सर्कुलेशन पे समझ लीजिए सो टॉकिंग अबाउट पोर्टल सर्कुलेशन। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ पहले सिंपल तरीके से ओके नॉर्मल बॉडी में क्या होता है नॉर्मल बॉडी में क्या होता है आपके जो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्गन ठीक है दिस इज द ऑर्गन व्हिच हैज गॉट द टिश्यूज अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट करे ऑर्गन कैसा ब्लड जनरेट करता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट करता है नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है कि आप ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजते हैं आप बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं हार्ट को है ना यू सेंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट ठीक है ऐसा ही होता है जनरली फिर हार्ट बेटा इसको लंग्स को भेजता है लंग से फिर हार्ट में जाता है फिर अल्टीमेटली हार्ट इसको क्या भेज देता है बैक टू ऑर्गन ऐसा ही होता है नॉर्मल सर्कुलेशन में कि टिश्यूज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं हार्ट को लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए कि ये जो टिश्यू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजे भेजना उसे हार्ट को ही है लेकिन रस्ते में बेटा वो एक ऑर्गन पे रुक जाए ठीक है जिसको मैं ऑर्गन डैश बोल देती हूँ फिर ये ऑर्गन डैश से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए हार्ट को समझ रहे हो एक आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन है दिस वन कि ऑर्गन से ब्लड कहाँ पर जाता है हार्ट में दूसरी आपकी थोड़ी सी टेढ़ी सर्कुलेशन आपने रास्ता बदल लिया देखो एक तो स्कूल जाने का रास्ता है कि डायरेक्ट फ्लाईओवर से बैठोगे ऊपर नीचे स्कूल पहुंच जाएगा ठीक है एक रस्ता है कि गलियों में घूम के जाएं किसी से मिलते हुए जाएं है ना आपकी मम्मी बोले कि यार स्कूल से आते हुए तुम ब्रेड जरूर लेके आना अगर ब्रेड नहीं मंगाती मम्मी तो हम स्कूल से सीधा घर आ जाते लेकिन हम मम्मी ने ब्रेड मंगा ली है तो हम स्कूल से जाएंगे अंकल की दुकान पर वहां से ब्रेड लेंगे फिर जाएंगे घर पर

यस yes. तो स्कूल से बेटा ब्रेड लेके जानी है ब्रेड कहां से लोगे ऑर्गन डैश से लोगे समझ आया कि नहीं आया नाउ वन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम विच रॉस इन योर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम समझ लो बेटा आज समझ नहीं आएगा कभी नहीं आएगा हाँ जी ये आपकी इंटेस्टाइन है ठीक है दिस इज योर ऑर्गन ठीक है मान लीजिए ये आपका ऑर्गन कौन सा है इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन हो गया स्टमक हो गया ठीक है अब ये जो ब्लड करेंगे कहां भेजना था भेजोगे बेटा इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप भेजना चाहते हो हार्ट को क्योंकि हार्ट ही फिर लंग्स को भेजेगा तभी ऑक्सीजनेशन हो पाएगी लेकिन ये एक पोर्टल सिस्टम के तहत है यहां से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां पर जाएगा इट विल फर्स्ट गो टू दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज लिवर पहले आपने इस डी ब्लड को भेजा लिवर में फिर बेटा ये डी ब्लड यहां से जाएगा आपके हार्ट में सो so ये जो सर्कुलेशन है ये वाली इंटेस्टाइन टू लिवर वाली यस दिस सर्कुलेशन ये जो रस्ते में तुम लोग रुके हो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन एंड रस्ते में आप कहाँ रुके हैं लिवर पे रुके हैं तो इसको बोल देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन कमिंग फ्रॉम स्टमक इट वॉन्ट गो डायरेक्टली टू द हार्ट इट विल टेक अ स्टॉप एट लिवर एंड इट विल ट्रेवल टू लिवर वाई अपैटिक पोर्टल वेन एक वेन जाएगी यहाँ से जिसका नाम है हिपैटिक Portal vein. And उस vein से बेटा जाएगा आपका लिवर में समझे कि नहीं समझे बता दो एक बार बता दो यार तुम लोग ना सेशन लाइक वाइक नहीं करते हो तुम्हारे लगता हाथ में दर्द हो जाता है बटन दबाते ही दर्द होने लगते है क्या यस बताइए दर्द होने लगता है हाथों में जब सब समझ आ रहा है फिर भी एज अ मोटिवेशन नहीं करना हमने फटाफट से यार सेशन को लाइक करो क्लास में एनरोल कर लो सेवन पीएम वाली क्लास में सब क्लियर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सो दिस इज ए पोर्टल सिस्टम दिस इज प्रेजेंट इन एवरी वन ठीक है सब में प्रेजेंट है फिशेज टू मैमल्स सो दिस इज प्रेजेंट इन फिशेज टू मैमल्स एंड देयर इज अ पर वाई आर वी सेंडिंग ब्लड टू लिवर फर्स्ट कोई रीजन है जैसे मम्मी ने तुम्हें किरायाने वाली दुकान पर इसीलिए भेजा बिकॉज ब्रेड लेके आनी थी ऐसे तो नहीं किराया वाले अंकल को नमस्ते बोल के आनी थी ये काम तो नहीं था तो ब्लड को यहाँ नमस्ते नहीं बोलनी है ब्लड का भी काम है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहाँ से ले रहे हैं लिवर से बेटा लिवर में ब्लड लिवर में जो फूड है आपका वो डाइजेस्ट हो चुका है डाइजेस्टिड फूड सबसे पहले हम लिवर में भेजना चाहते हैं बिकॉज लिवर इज़ अ साइट ऑफ एसीमुलेशन ऑफ फूड तो सिंस ये डाइजेस्टिड फूड है डाइजेस्टिड फूड सबसे पहले किस ऑर्गन में जाता है लिवर में ताकि वो एसीमुलेट कर पाएँ कुछ डिटॉक्सीफिकेशन का काम भी होता है यहाँ पर तो इससे हमारी बॉडी को फ़ायदा है कि पहले हार्ट को भेजने की जगह आप पहले लिवर को भेजिए लिवर उस फूड को एसीमुलेट करेंगे एंड देन बेटा वो हम डिस्ट्रीब्यूट uh, कर देंगे पूरी बॉडी में वाया हार्ट ठीक है सो इट इज द फर्स्ट ऑर्गन लिवर इज अ फर्स्ट ऑर्गन टू रिसीव द एब्सॉर्ब फूड तो ये है बेटा आपका पोर्टल सर्क्युलेशन जी आप यहां पर देख रहे हो कि स्टमक से पेनक्रियास से इंटेस्टाइन से ब्लड गया हिपैटिक पोर्टल वेन में हिपैटिक पोर्टल वेन ओपर हुई लिवर में लिवर ने इस ब्लड को किसको भेजा हार्ट में ठीक है एंड देन बेटा बैक टू लिवर दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन क्या ये चीज समझ आई क्या बेटा ये चीज आपको समझ आई दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन यस ओके ये नॉर्मल सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन एंड दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन हां जी बताइए क्या पोर्टल सर्कुलेशन क्लियर हुआ अब अपने पास सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है वी ऑल्सो एंड कुछ एनिमल्स के पास रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है तो दो और पोर्टल सिस्टम है वन इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंड अदर वन इज रीनल सिस्टम ये अपने में नहीं होता बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम इज नॉट देर इन वेल डेवलप्ड होता है आगे आते जाते थोड़ा सा वीक होता जाता है दिस इज नॉट इन मैमल्स मैमल्स में बेटा ये एबसेंट है ठीक है जबकि ये जो है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स ठीक है सब में होता है फिशेज टू मैमल्स सब में होता है ठीक चलिए सो ये बात हो गई पोर्टल सिस्टम की पर्पज भी आपको समझ आ चुका है इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो सात बजे वाली क्लास में मिलेंगे सात बजे वाली क्लास में ने पिन करा दी है तो डू अटेंड दैट क्लास एंड फाइव थर्टी पी एम वी आर गोइंग टू मीट फॉर 5:30 थर्टी पी पे बेटा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर ही ठीक है और 7 पीएम वाली क्लास होगी ऐप पर इट्स ऑल्सो फ्री क्लास अगर आपसे कोड पूछे तो आप डाल देना सीपलाइ ठीक चलिए तो बेटा मेधावी बैच इज नाउ गोइंग टू कम लाइव अगेन नाउ इट इज सेव वर्जन विच इज कॉल्ड एज मेधावी प्लस तो इस प्लस वाले बैच जो कि को स्टार्ट हो रहा है इसमें जरूर एनरोल कर लो क्योंकि नए सिरे से से हम फिर से कवर करने वाले हैं और कल मैं पूरी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी कि मेधावी बैच में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आपकी हेल्प होगी तो कल वाली स्ट्रैटेजी क्लास आज वाली डीपीपी क्लास कितने बजे होने वाली है सेवन पी पर होने वाली है तो सब बच्चे इस फ्री क्लास में एनरोल कर लो लिंक दिया हुआ है वहां पर बेटा मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा प्रोफाइल खोलना प्रोफाइल पे मैम को फॉलो कर लो मुझे फॉलो कर लो फॉलो कर लो कि तो मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा इस तरीके से प्रोफाइल दिखता है पता चल जाता है कि मैम कहाँ रहती हैं क्यों रहती हैं क्या किया हुआ है मैम की पास्ट क्वालिफिकेशन क्या है एक्सपीरियंस कहाँ किस इंस्टीट्यूट का है तो सब चीजें मेरी प्रोफाइल पर है तुम पूछते रहते ना, हो ना मैम आप कहाँ हो कहाँ से क्लास लेते हो पहले कहाँ थे एवरी थिंग ऑन माई प्रोफाइल लिंक टू द प्रोफाइल इज इजेंड टू द चैट बॉक्स ठीक बाकी अभी मेधावी बैच बड़ी शुभ मुहूर्त के समय आया है क्योंकि स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है बट इट इज ओनली गोइंग टू टिल सेवनटीन ऑफ नवंबर जिसमें आपको अकेला टेन परसेंट नहीं टेन प्लस टेन परसेंट ऑफ मिलेगा दिस इज एक्सक्लूसिव द लास्ट टाइम इसके बाद नहीं आएगा ये ऑफर तो अगर आप अभी भी नीट क्रैक करना चाहते हैं मोटा मोटा छह महीना आपके पास बच गया है तो फटाफट से इस ऑफर को ले लो ऑफर बिना कोड लगाए नहीं चलेगा मैं पहले बता दू दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू विल अप्लाई दिस कोड दैट इज गोइंग टू बी सी प्लाई ठीक है फटाफट से कोड लगा के इस ऑफर के तहत आ जाना क्योंकि तुम्हें भी तो टॉपर बनना है लेना नहीं है बेटा 92 रैंक 51 रैंक 359 रैंक 253 रैंक दिस इज द पास्ट रिजल्ट और अगर अभी भी शंका है कि यार ड्रॉप लूं कि ना लूं तो ड्रॉप लेने या ना लेने के लिए एक टेस्ट है बेटा अनअकैडमी रिवाइव इसको दो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आएगी ठीक है उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड डू यू नीड सपोर्ट और नॉट अगर बड़ी अच्छी रैंक आ रही है तो ठीक है यार तुम्हें सपोर्ट नहीं चाहिए लेकिन अगर रैंक 50 परसेंट सिक्सटी परसेंट या उससे कम आ रही है देन यू डू नीड सपोर्ट एंड ये जो रिवाइव uh, वाला टेस्ट है ये फोर्टीन ऑफ नवंबर कौन है तब भी आपका टेन प्लस टेन वाला ऑफर चल रहा होगा तो ये टेस्ट जरूर देना इट इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग टेस्ट फॉर यू चिल्ड्रंस डे वाले दिन होगा तुम अच्छा स्कोर करोगे तो आईपैड भी मिल सकता है अमेजोन वाउचर 100 परसेंट स्कॉलरशिप वाले बच्चों को भी मिलेगा और सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है टॉप 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा मेंटोरशिप फ्रॉम द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स प्रेजेंट ऑन अन अकेडमी एंड इस टेस्ट में को भी फ्री बनाने के लिए बेटा ये कोड लगा देना सेशन का लिंक दिया होगा टेस्ट का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी बेटा बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं मेधावी प्लस बताया ड्रीम टीम बताया सुपर अचीवर बताया इन बैचेस में भी आप साइमल्टेनियसली एनरोल कर सकते हैं यू नो एक बारी अगर तुम आ गए तुमने मेधावी बैच में पढ़ना शुरू कर दिया तुम किसी और बैच में पढ़ no, you know, भी पढ़ सकते हो देर इज नो यू नो कंपल्शन आप सबसे भी पढ़ सकते हो येस It is complete, on academy, ठीक? और लेते से पहले एक कॉम्बैट भी दे देना ताकि इसमें स्कॉलरशिप मिल जाए और आपको कम पे करना पड़े ट्वेंटी परसेंट से भी अगर कम पे करना है दैट कॉम्बैट इज अ वन फॉर यू कॉम्बैट मैं खुद डिजाइन करती हूँ सो आई नो अबाउट द कॉम्बैट एनसीआरटी लेवल टेस्ट है फोर्टी फाइव मिनट्स का होता है एवरी संडे ग्यारह बजे लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है प्लस के मैं सारे बेनिफिट्स बता चुकी हूँ प्लस में लाइव क्लासेस इंटरक्टिव क्लासेस के अलावा अगर आपको वन टू वन मेंटोरशिप हार्ड कॉपी ऑफ़ द नोट्स चाहिए तो आइकॉनिक इज द वन फॉर यू ठीक है मेरे ख्याल से अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो देन इन्वेस्ट ऑन आइकॉनिक बेस्ट पे इन्वेस्ट करो जिसमें आप हमसे अपने मिन्टोर से बात भी कर पाएं ठीक है एंड द वे टू एनरोल इज गो टू योर ऐप ऐप में जाइए कहाँ गया हाँ जी ऐप में जाइए ड्यूरेशन चूज कीजिए एंड कोड जरूर लगाना तभी टेन प्लस टेन वाला ऑफर मिलेगा कोड इज बेटा सी प्लाइन सिर्फ सेवनटीन तक टेन प्लस टेन वाला ऑफर है देन अगेन आपके पास टेन परसेंट रह जाएगा तो आई डोंट वांट कि आप अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी को वेस्ट करें अभी इसको यूटिलाइज करने का टाइम है ठीक है तो यस यू कैन एनरोल मैं पीडीएफ अभी शेयर कर देती हूँ मिलते हैं बेटा फाइव ऑन यूट्यूब एंड सेवन पी ऑन आवर अन ऐप तब तक एवरी टेक केयर एंड बाय मिस नहीं करना क्लासेस क्लासेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए जिसको नहीं पता सात बजे वाली क्लास कहाँ है कहाँ इधर देखोगे इधर देखोगे ये भांगड़ा तो मैं नहीं कर रही हूँ अब मुझे लगता है मैं कौन सा ओके यस इधर है आपके इस वाली साइड पे मैंने पिन किया हुआ है ठीक हाँ जी कोड पूछे तो डाल देना सी ओके चलिए सेशन अच्छा लगता तो सेशन को लाइक किया करो शेयर क्या करो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर ओके बाय बाय